दोस्तों यहाँ पर अभी आपने आधार सेंटर के माध्यम से अपना आधार कार्ड नया बनवाया है या फिर आधार में कोई करेक्शन करवाया है, उसका स्टेटस आप अपने मोबाइल से घर बैठे कैसे चेक करेंगे, आज की इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके पास जो है आधार सेंटर से मिला हुआ रिसीप होना चाहिए, जिसमें आपको वहाँ पर URN नंबर और डेट और टाइम दिया रहता है, क्योंकि हमें इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है स्टेटस को चेक करने के लिए। तो ये जो है आपके स्लिप में दोस्तों यहाँ पर लिखा रहता है, जिसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों आधार कार्ड सेंटर से जो है हमें यहाँ पर इस तरीके का कुछ स्लिप मिलता है, और इस स्लिप में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको अपडेट रिक्वेस्ट नंबर मिल जाता है और यहाँ पे ये नंबर लिखा रहता है। इसी लाइन में आप इधर राइट साइड में आएंगे तो डेट और तिथि यहाँ पर दिया रहता है, और इसी डेट के बगल में जो है यहाँ पर टाइम दिया रहता है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है हमें अपना स्टेटस चेक करने के लिए। स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों आपको डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर में आना है और आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने दे दिया है। तो आधार कार्ड के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। UIDAI.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है। इसे आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर गेट आधार के ऑप्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे चेक आधार स्टेटस का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने जो है अगला स्टेप आ जाता है, जिसमें हमें सारी जानकारी फिलअप करनी रहती है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपका 14 डिजिट जो है यहाँ पर नंबर वो डालना है जो मैंने आपको हम बताया URN नंबर दिया गया है, इनरोलमेंट नंबर, उसको यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर URN नंबर रहेगा, उसके बाद दोस्तों देखिए राइट साइड में जो आपका टाइम दिया गया है सेट करने के लिए, आप इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे और टाइम भी। तो पहले यहाँ पर URN नंबर जो है हम डाल देते हैं। ऊपर में URN नंबर जब हम डाल देंगे तब यहाँ नीचे कैलेंडर का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से डेट आ गया, जिस डेट को आपने अपडेट करवाया था उसी डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहीं पर देखेंगे दोस्तों और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको घड़ी बना हुआ आइकॉन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप अपना टाइम आपको जो है सेट कर देना है जो आपके जो है स्लिप पर लिखा गया है। तो स्लिप पर जो टाइम है उसे आपको यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चर कोड आएगा दोस्तों, कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ से चेक स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। सारी जानकारी सही भर देने के बाद दोस्तों आपको ये कैप्चर कोड यहाँ पर डालने के बाद चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे, अगर हमारे द्वारा डाली गई सारी जानकारी यहाँ पर सही होगी तो हमारा जो है यहाँ पर स्टेटस शो हो जाएगा। देख सकते हैं आपका यहाँ पर चेक आधार स्टेटस का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर स्टेटस आपका जो है इस तरीके से शो हो जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड जनरेटेड हो गया होगा तो इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि कंग्रेचुलेशन योर आधार इज जनरेटेड, यानी कि आपका आधार जो है वहाँ से बना करके भेज दिया गया है, आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपका पेंडिंग होगा या फिर अंडर प्रोसेस में होगा तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा योर आधार इज अंडर प्रोसेस। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल से घर बैठे जो है आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो आपने अपना नया आधार कार्ड अपने पोस्ट ऑफिस या आधार सेंटर के माध्यम से बनवाया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।